तो दोस्तों ये वीडियो हमारे चैनल का एक बिल्कुल नया सेगमेंट होगा जिसमें हम देश और दुनिया की हफ्ते भर की न्यूज को कुछ अलग अंदाज में बताएंगे और कोशिश करेंगे कि न्यूज को थोड़ा चटपटा बनाएं और उस पर अपना अनबायस व्यू रखें। तो दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव है और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी से जुड़े हुए लोग साजिश कर रहे हैं, कांग्रेस चापलूसों को महत्व देती रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। ऐसा कहना है संजय निरुपम जी का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कांग्रेस की चापलूसी के सिवा कोई काम नहीं किया और यदि कांग्रेस में चापलूसी करने के लिए कोई अवार्ड दिया जाएगा तो शायद उस अवार्ड का नाम भी संजय निरुपम अवार्ड रखना पड़ेगा। पर यहाँ भी संजय निरुपम के लिए कॉम्पिटिशन है और इस मामले में संजय निरुपम को कड़ी टक्कर दे सकते है हमारे श्री श्री रंजीत सुरजेवाला जी। और ये वो रजिस्टर है जो कई चैनल्स और मीडिया के साथियों के द्वारा ट्वीट किया गया। ये राहुल गांधी जी की ना लिखाई है ना ये रजिस्टर उनको कभी दिया गया कि ना केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले महाराष्ट्र कांग्रेस में आंतरिक कला दिखने को मिल रही है और इसको देख के राहुल गांधी जी के दिल से एक ही बात निकल रही होगी, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर दोस्तों कांग्रेस के संकट यहीं खत्म नहीं होते। कांग्रेस के जितने दुश्मन पार्टी के बाहर नहीं हैं, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने पाल रखे हैं। संजय निरुपम बोलते हुए रुके ही थे कि कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने फिर बयान दे डाला। अब दिक्कत ये है कि इनको सुनता कौन है। 1000वीं बार भाजपा और आरएसएस पर इल्जाम लगाया है कि भाजपा और आरएसएस आईएसआई से मिले हुए हैं और उनके लिए जासूसी करते हैं और उसके बाद भारत की खुफिया एजेंसी ये पता लगाने में लग गई है कि दिग्विजय सिंह आजकल कौन सी चरस ले रहे हैं, क्योंकि ये अपने किस्म की एक उम्दा चरस ही हो सकती है। क्योंकि जो बीजेपी इतने बड़े भारत पर एक तरफा राज कर रही है वो बीजेपी पाकिस्तान जैसे देश की एक संस्था आईएसआई के लिए जासूसी करेगी ताकि भारत में अच्छे से चल रही अपनी सरकार के कार्यों में बाधा डाल सके। तो दोस्तों ये कोई उम्दा वाली चरस है। और उधर आरएसएस सोच रही है हमने दिग्विजय सिंह के कौन से बच्चे चुरा लिए जो वो नहा धोके हमारे पीछे ही पड़े हैं। और उधर एमपी कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ सोच रहे हैं कि कसम मोदी ने खाई है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर इस कसम को पूरा दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और ना ही वो कमलनाथ को सरकार चलाने देना चाहते हैं जो इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और इस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी अंतकला देखने को मिलती रही है और इन सब घटनाक्रम को देखकर भी राहुल गांधी के मुंह से एक ही बात निकल रही होगी, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सोशल मीडिया के अनुसार दो राज्यों में चुनाव के पूर्व राहुल गांधी बैंकॉक गए हैं और कई सूत्रों से पता चला है कि राहुल गांधी इस समय कंबोडिया में हैं और वहां वो ध्यान लगा रहे। ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठे हैं। राहुल गांधी विदेश जाते और सब यही सोचते हैं यार ये जाते कहाँ हैं। पर दोस्तों अब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अज्ञातवास में नहीं रह पाएगा कि मोदी सरकार उनसे ये सुख भी छीनने वाली है। एसपीजी कमांडो को लेकर सरकार ने ये नियम बनाया है, जहाँ वे जा रहे जहाँ वे रुक रहे उसका सारा डेटा सरकार के पास रहेगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी कहीं बिना बताए घूम नहीं सकेंगे। पर भारत सरकार को यह पता होगा कि राहुल गांधी इस समय किस देश में हैं और वो क्या कर रहे हैं। अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के बाद मोदी जी का अगला नारा ये भी हो सकता है, ना घूमूंगा और ना घूमने दूंगा। और उसके बाद राहुल गांधी जी के दिल से एक ही बात निकल रही होगी, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसी प्रकार दोस्तों मुंबई के आरे के जंगल में हो रही पेड़ों की कटाई का खूब विरोध हो रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है और विरोध में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिसमें श्रद्धा कपूर, फरहान अख्तर, वरुण धवन, आलिया भट्ट, करण जौहर इस विरोध में शामिल हुए। इस पर लोगों ने इनको गरियाना शुरू कर दिया है और कहने लगे आपको 33 हेक्टेयर में मेट्रो शेड बनाने से चिंता हो रही है जब फिल्म सिटी 210 हेक्टेयर में और इसी जंगल में रॉयल पॉम नाम की एक सोसाइटी बनी है जो कि 97 एकड़ की बनी है, जिसमें एक गोल्फ कोर्स भी है जिसे पेड़ काटकर बनाया गया है। फिल्म सिटी की ये गूगल इमेज जो 2002 की है जिसमें चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है और ये दूसरी इमेज जो 2019 की है जिसमें पेड़ों की कटाई करके वहाँ कंस्ट्रक्शन किया गया है।
तब भी किसी सेलिब्रिटी के आंसू पेड़ों के लिए नहीं बहे। वैसे दोस्तों मेट्रो उन आम मुसाफिरों की परेशानी को दूर ही करेगी जो सालों से मुंबई लोकल में ठूस ठूस कर सफर कर रहा है। उनका दर्द बड़ी बड़ी और ज्यादा प्रदूषण करने वाली गाड़ियों में सफर करने वाले क्या जाने। तो दोस्तों लोग पांव पर हथौड़ा मारते हैं, पर विरोध करने के बाद इन सेलिब्रिटी ने बाजार से दुगने भाव में हथौड़ा खरीद कर हथौड़ा रख कर उस पर अपना पांव दे मारा है। इससे लोगों को इन सेलिब्रिटी की नीयत कहीं ना कहीं समझ आने लगी है। साथ ही फिल्म सिटी की बाहरी हरियाली दिखाकर अंदर क्या क्या कांड हो रहा है ये भी लोगों के सामने आ गया है। तो बॉलीवुड के इन दोगले सेलिब्रिटी को देखकर मुझे राजकुमार साहब का एक डायलॉग याद आ रहा है, जानी जिनके घर शीशों के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पर दोस्तों एक डायलॉग मेरी तरफ से भी, जानी जो खुद लुंगी पहना करते हैं वो दूसरों की पतलून के छेद नहीं गिना करते। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। हम इसी तरह आते रहेंगे कुछ जानकारी भरे, कुछ देश हित में और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे।